अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आज कोकल स्पेशल वड़ा पाव, बटाटा वड़ा। बहुत ही टेस्टी, यम्मी एंड इजी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है ये स्नैक्स, सबको जरूर पसंद आएगा। स्पेशली बारिश में आप इसे जरूर बनाएगा और गर्मा गर्म खिलाइएगा। इसके लिए हमें चाहिए 3.5 कप बॉयल किए हुए पोटैटोस। मैंने 6 पोटैटोस लिए हैं, उनको अच्छे से बॉयल करके लीजिए। लाइटली इस तरीके से हल्का हल्का उसको मैश करके लें। एक बड़ा पॉट लीजिए, गैस को रखिए लो फ्लेम पर। 2 टेबलस्पून ऑयल, तेल डालिए, 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, छोटी वाली जो राई आती है, सरसों आती है, वो डालिए। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, साबुत जीरा डालें, करी लीव्स डालिए। कड़ी पत्ते की 2 डंडियां ली है मैंने, उसमें से कड़ी पत्ते निकाल के डालिए। 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 टेबलस्पून किसा हुआ अदरक, 2 टेबलस्पून किसा हुआ लहसुन। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हम एक साथ डालेंगे पैन में। रोस्ट कीजिए, आधा मिनट हमें उसको अच्छे से भून कर लेना है। अभी हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ में डालिए 2 टीस्पून सॉल्ट, नमक। 1 मिनट अच्छे से रोस्ट कीजिए, भूनिए मसालों को। 1 मिनट के बाद हम इसमें अपने जो बॉयल किए हुए पोटैटोस है, आलू है, वो डालेंगे। अच्छे से 2 मिनट्स मिक्स कीजिए, सारे मसालों में अपना आलू है वो मिक्स होना चाहिए। 2 मिनट के बाद गैस को बंद कर दीजिए। अभी हम इसमें डालेंगे अ हैंडफुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स इट वेल नाइसली, एक बार अच्छे से मिक्स करके लें। वड़े का बैटर अपना रेडी है, सो इसको अभी रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अभी हम बेसन का घोल बनाएंगे, बेसन का बैटर बनाएंगे। एक बाउल में 1.5 कप बेसन लीजिए, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक डालें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून साबुत अजवाइन, 1/4 टीस्पून हिंग पाउडर। एक बार अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है और स्लोली स्लोली हम उसको मिक्स करते जाएंगे। टोटल मैंने यूज किया है 3/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून पानी। हमें एक स्मूथ बैटर चाहिए, ये देखिए ये है परफेक्ट कंसिस्टेंसी। इसको कवर कीजिए और आधे घंटे के लिए फूलने रखिए, राइस होने रखें। अगर आपके पास बहुत टाइम है फ्राई करने के लिए तो आप ये बैटर बना के 2-3 घंटे फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब चाहे तब बाहर निकालें और यूज करें। अपना बैटर ठंडा हो चुका है, अब हम राउंड शेप में टिक्की बना के लेंगे। ये देखिए एक राउंड शेप में बॉल बनाइए, उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से फ्लैट कीजिए ऊपर से। ऐसे ही सारे वड़े बनाकर रेडी करके ले लीजिए। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, जब चाहे तब निकालें और फ्राई कीजिए। टोटल 16 वड़ास बनाकर रेडी करके ले लीजिए। हम डीप फ्राई करेंगे, सो ऑयल को प्री हीट करके लीजिए मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा बैटर इस तरीके से डालिए ऑयल में, ये देखिए बहुत ही स्लोली ऊपर आ रहा है, मतलब ऑयल का टेम्परेचर बहुत ही परफेक्ट है। वन बाय वन करके वड़े को डालिए बेसन के घोल में जो हमने बैटर बनाया है, उसमें डिप कीजिए इस तरीके से और फिर जो भी एक्सेस हो वो रिमूव कीजिए उसको थोड़ा झटक के। नाउ रिलीज इट इन मीडियम हॉट ऑयल, आहिस्ता से छोड़िए ऑयल में। एट ए टाइम 5 to 6 वड़ास डालिए फ्राई करने के लिए, एकदम रश नहीं कीजिएगा। थोड़ा फर्म होने दे, आफ्टर 2 मिनट्स लेटर आप उनको टर्न कीजिए। टोटल 5 मिनट्स आप उनको फ्राई कीजिए लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ये देखिए दिस इज द परफेक्ट कलर, नाउ रिमूव इट, उनको बाहर निकाल के ले लीजिए। यम्मी एंड डिलीशियस बटाटा वड़ा इज रेडी नाउ। 4 to 5 ग्रीन चिलीज लीजिए, बीच में से इस तरीके से स्लिट कट करें, थोड़ा सा नमक डालें और बैटर में डिप कीजिए। ग्रीन चिलीज को भी फ्राई कीजिए। आवर परफेक्ट बटाटा वड़ास आर रेडी नाउ, उनको पाव में डाल के सर्व कीजिए। ग्रीन चिलीज, ग्रीन चटनी एंड रेड ड्राई चटनी के साथ। सबसे पहले हमारी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आई तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।
जिली चर्च।